चलिए आज आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भूमिया मंदिर। ये रामनगर से 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आपको मासी बाज़ार के अंदर है ये मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, दूर से देखने पर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय भूमिया मंदिर। फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से अपनी अरदास अपनी प्रार्थना करने आते हैं और जैसे ही उनकी विश पूरी होती है वो यहाँ पे घंटी वगैरह चढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए, ये है मंदिर का एंट्रेंस और आसपास का आप व्यू देख लीजिए। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल रामगंगा के ऊपर ये मंदिर स्थित है। और यहाँ देखिए, इन सीढ़ियों पे जो डिज़ाइन बना हुआ है इसे बोलते हैं ऐपण। ये हम लोग दिवाली और या शादी वगैरह कोई भी अच्छा फंक्शन होता है तो इस डिज़ाइन को हम लोग अपने घरों में जिस तरह रंगोली वगैरह बनाते हैं इसे भी बनाते हैं। और यहाँ है, कर ली हमने मंदिर में एंट्रेंस। और चलिए, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, आपको स्टार्टिंग से ही घंटियाँ आपको दिख रही होंगी। हर कोई जगह ऐसे नहीं है जहाँ घंटियाँ ना चढ़ाई हुई हों। जिस जैसे ही कोई यहाँ विश वगैरह जिसकी पूरी हो जाती है विश, वो यहाँ पे आके अपनी श्रद्धा अनुसार छोटी या बड़ी कोई भी घंटी वगैरह यहाँ पे चढ़ाते हैं। सच में फ्रेंड्स, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही सुंदर। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर मंदिर है। एक के ऊपर ही 10-10 घंटियों बंधी हुई हैं। और आसपास आप जहाँ भी देखेंगे घंटियाँ ही हैं। और चलिए, यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। यहाँ से हमने दर्शन करने शुरू किए और बहुत ही सुंदर मंदिर। और ये आ गए हैं अब गोयल देवता। फ्रेंड्स, इनका अल्मोड़ा में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो जितेई गोयल के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ लोग अपनी अर्जियाँ लगाते हैं और मान्यता प्राप्त है कि वो पूर्ण भी होती हैं हमारी। राधा कृष्ण के मंदिर की तरफ। और उसके बाद यहाँ लगा था राम दरबार, बहुत ही सुंदर। आप यहाँ देखिए, राम स्तुति यहाँ पे लिखी हुई है। और ये है गंगा मैया की आरती, यहाँ पे लिखी हुई है पूरी। राम गंगा के मंदिर पर ही यहाँ पे ये स्थित है ये मंदिर। और ये है गायत्री, माँ गायत्री, और यहाँ लिखा हुआ है गायत्री सारपुरा। और ये है शिवालय। सच में फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए रामगंगा। और ये आ गए हम अब शनि मंदिर के अंदर। शनि मंदिर बना हुआ है यहाँ पे साइड में। और ये है रामगंगा जो साइड से निकल रही है। और पीपल वृक्ष भी यहाँ पे, और उसी के पास स्थित है शनि महाराज। तो इस तरीके से एक भगवान की स्तुति करते हुए मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ। यहाँ पूरी शनि चालीसा लिखी हुई है। तो शनि महाराज सब पे अपने कृपा दृष्टि बनाए रखें। और यहाँ शनि आरती लिखी हुई है। और यहाँ आ गया है हम लोग, एक बैठक एरिया बनाया हुआ है जहाँ जैसे कोई वृद्ध वगैरह व्यक्ति वगैरह आते हैं वो खड़े नहीं हो सकते जब काफ़ी लंबी लाइन लगती है, तो उन्हें यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था है। और ये है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ये है हनुमान जी का मंदिर। अब आ गए हम एक अलग से शिवालय का ही पूरा एरिया बनाया हुआ है। यहाँ है नंदी महाराज माता और शिव, उनका एक अलग से बनाया हुआ है यहाँ जल वगैरह चढ़ाने के लिए। और यहाँ छोटा सा एक मिनी गार्डन बगीचा बनाया हुआ है, छोटा सा बहुत सुंदर, जिसे देखने से ही मन प्रफुल्लित हो रहा था। और ये देखिए, बस घूमते हुए जैसे ही हम बाहर यहाँ पे
निकले बाहर और बहुत ही सुंदर आप आसपास का एरिया देखिए। और ये है यज्ञशाला, जैसे यज्ञ वगैरह होते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं, हवन कुंड वगैरह यहाँ पहले से ही बना हुआ है। अब हम लोग जाने के लिए रेडी थे और ये है जहाँ भंडारा वगैरह होता है। और यहाँ से हमने एग्ज़िट किया, बाहर निकले और यहाँ लिखा हुआ है भूमिया देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करें, जय भूमिया देवता। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं हमें, बहुत ही सुंदर मंदिर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।